जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में एसयूवी कार बॉडी टाइप पिछले कुछ टाइम से सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और बाकी गाड़ियों के मुकाबले एक एसयूवी कार लोग लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया की हर ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस सेगमेंट में अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट उतार दिया है और जिन कंपनीज ने इस सेगमेंट में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है वो भी इस सेगमेंट में जल्द से जल्द अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगी हुई हैं। और अब फाइनली एसयूवी कार सेगमेंट में एक और नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाला है जो कि प्रीमियम होने के साथ साथ अपनी बेहतरीन जेन्युइन ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ मार्केट में धमाल मचाने वाला है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी ऑफरोड गाड़ियों के लिए जाने जाने वाले अमेरिकन ब्रांड जीप की आने वाली नई एसयूवी कार जीप रेनेगेड की। इस गाड़ी का इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार किया जा रहा था और अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार के लॉन्च को इंडिया में कंसीडर कर लिया गया है। आज की वीडियो में हमने इस गाड़ी के प्राइसिंग, लॉन्च डेट, फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह वगैरह डिटेल्स को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू ऑटोमोबाइल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल इंडिया में एसयूवी कार सेगमेंट में जीप की कंपास एसयूवी कार मिलती है जो कि अपनी बेहतरीन ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए ऑफरोड कार लवर्स की पहली पसंद है और अभी इसी सेगमेंट में जीप कंपास से कम कीमत में जीप कंपनी रेनेगेड को उतारने वाली है और ग्लोबली जीप ब्रांड की जीप रेनेगेड कंपनी की सबसे सस्ती गाड़ी है और इंटरनेशनल मार्केट में जीप रेनेगेड को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। हाल ही में जीप रेनेगेड को टेस्टिंग के दौरान कर्नाटक के उडुपी शहर में देखा गया है और ये एरिया मुंबई मैंगलोर हाईवे के आसपास आता है। टेस्टिंग के दौरान जीप रेनेगेड पूरी तरह से प्लास्टिक में कवर्ड थी। टेस्टिंग के दौरान जीप की इस कार के ऊपर 7 फ्लोर फ्रंट ग्रिल देखी गई जिससे पता लग रहा है कि ये कार जीप रेनेगेड ही है और वहीं गाड़ी पर महाराष्ट्र की एक नंबर प्लेट भी लगी है जिससे पता चल रहा है कि ये गाड़ी महाराष्ट्र में रजिस्टर की गई है और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया में भी जीप कंपास जल्द ही लॉन्च हो सकती है। इंडिया में लॉन्च होने के बाद जीप रेनेगेड 4 मीटर की लेंथ वाली एसयूवी कार के सेगमेंट में आएगी और इसी सेगमेंट में ये कार टक्कर देगी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और टाटा हैरियर जैसी कार को। अभी हाल फिलहाल कंपनी ने इस कार को इंटरनली जीप 526 कोड नेम दिया है। बात करें जीप रेनेगेड के डिजाइन एंड लुक्स की तो गाड़ी के फ्रंट में आपको 7 फ्लोर फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है जो कि गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स देते हैं। वही कार में सर्कुलर LED हेडलैम्प विद डीरेल्स, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स और रियर में स्क्वायर LED टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं और इन सब के साथ जीप रेनेगेड का ये डिजाइन एंड लुक इसे अपने सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से कहीं ज़्यादा अलग बनाता है। वहीं अट्रैक्टिव डिजाइन एंड लुक्स के साथ साथ जीप कंपास में आपको बेहतरीन ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी देखने को मिलेंगी जो कि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती हैं और ऑफ रोडिंग के मामले में अपने सेगमेंट में ये कार महिंद्रा स्कॉर्पियो की कॉम्पिटिटर होगी। जीप रेनेगेड में कंपनी दो इंजन ऑप्शन ऑफर कर सकती है। पहला है 2.0 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन और दूसरा है 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आपको स्टैंडर्ड में देखने को मिलेंगे। वहीं गाड़ी में 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, एक एस्टीमेट के मुताबिक जीप और महिंद्रा का आपस में इंडिया में ज्वाइंट वेंचर हुआ है तो हो सकता है कि दोनों कंपनियां इस गाड़ी को मिलकर डिजाइन करेंगी। वहीं दोस्तों, फीचर की बात करें तो जीप रेनेगेड में आपको कई सारे अट्रैक्टिव फीचर्स का पैकेज भी देखने को मिलेगा जैसे कि 8.4 इंच की यू कनेक्ट टच स्क्रीन फ्रंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ और भी कई सारे कनेक्टिविटी फीचर्स को सपोर्ट करेगी। कार में पैनोरमिक और रिमूवेबल सनरूफ मिलेगा, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलेंगे और वहीं इन्हीं के साथ गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, USB चार्जिंग पोर्ट इन फ्रंट इंटीरियर जैसे और भी कई सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर आपको जीप रेनेगेड में दिए जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में जीप रेनेगेड 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी मिलती है लेकिन इंडिया में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा या नहीं इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी हाल फिलहाल कंपनी ने जीप रेनेगेड के इंडिया में लॉन्च की कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। ये सारी डिटेल्स हमने आपको मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई है। इंडिया में लॉन्च होने के बाद इस कार की शुरुआती शुरू कीमत करीब करीब 8 से 10 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जा सकती है और इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों जीप रेनेगेड ऑफरोडिंग के लिहाज से वाकई में एक काफ़ी कमाल की गाड़ी होगी। अभी देखना यह है कि ये कार इंडिया में कब लॉन्च होती है। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।